सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। गाइस, क्या आपको भी कुछ इस तरह का फोटो एडिट करना सीखना है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर रख देना है डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस लेट्स बिगिन इन द वीडियो। पहला स्टेप में करना क्या गाइस, पिक्सार ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सार ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ से चल जाना है हम लोग को प्लस वाले आइकन पे एडिट ए फोटो पर, यहाँ से हम लोग को यहाँ से चल जाना है बैकग्राउंड वाले सेक्शन पर। यहाँ से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से करना क्या है, टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद यहाँ से क्रॉप पे चल जाना है। यहाँ से हम लोग को इंस्टा पोर्ट्रेट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से डन कर लेना है। इस तरह से क्रॉप करने के बाद करना क्या है, हम लोग को मॉडल के फोटो को ऐड करना है। तो मैं कर लेता हूँ, यहाँ से ऐड फोटो पर जाना है और मॉडल के फोटो को ऐड कर लेना है। मैंने इसकी बैकग्राउंड पहले ही रिमूव कर चुका हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो मैंने इसकी भी ऊपर एक वीडियो बना रखी है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इजिली वो वीडियो वॉच कर सकते हो और सीख सकते हो कि एक क्लिक में बैकग्राउंड एडिट कैसे करें। तो मेक श्योर गाइस वो वीडियो देख ले, आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह से ऐड करने के बाद करना क्या, हम लोग को डन नहीं करना है। यहाँ से स्क्रीन पर किधर भी टैप करके फिर से ऐड फोटो पर चल जाना और एक PNG की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वो उसको डाउनलोड करके ऐड कर लेना। अगर आप मेरे PNG डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो लिंक से तो आप, मैंने इसकी भी ऊपर एक वीडियो बना रखी है जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो देख सकते हो। तो वो वीडियो देख के आप सीख लो कि कैसे आप मेरे लिंक से आपने बैकग्राउंड PNG डाउनलोड करा है। तो ऐड करने के बाद करना क्या है, इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है और यहाँ से हम लोग को ये लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से मूव डाउन कर लेना और अच्छे से एडजस्ट कर लेना है पहले कुछ इस तरह से। इस तरह से करने के बाद करना क्या, अब हम लोग को चल जाना है इरेजर वाला आइकन पे। यहाँ से इन्वर्ट कर लेना है, यहाँ से रिस्टोर पे क्लिक करके हम लोग हार्डनेस कम कर लेना है और साइज अपने हिसाब से रख लेना है कुछ इस जगह पे हम लोग को पेंट कर लेना है। फिर करना क्या है, फिर हम लोग को इस पर क्लिक करके ऑपसिटी को थोड़ा कम कर लेना है, फिर हम लोग को साइड साइड ऐड कर लेना है, यहाँ से ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से। करने के बाद करना क्या है हम लोग को, मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। इस तरह से करने के बाद स्क्रीन पर किधर भी टैप कर लेना है, फिर हम लोग को चल जाना है पीछे वाले लेयर पे और यहाँ से हम लोग को चल के यहाँ से चल जाना है एडजस्ट पे, फिर से चल जाना है हम लोग को इस पे ह्यू पे और थोड़ा सा हम लोग को ये टोन रख लेना है +72 रख लेना है। फिर यहाँ से डन कर लेना है, फिर अपने मॉडल आइकन पर क्लिक कर लेना है। फिर हम लोग को इसमें क्या करना है, एडजस्ट में जाके यहाँ से ब्राइटनेस को आप चाहो तो बढ़ा लेना मगर घटा के रखना है थोड़ा सा कुछ इतना। फिर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा घटा लेना, क्लियरिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना, फिर यहाँ से डन कर लेना है। इसलिए यहाँ से डन कर लेना है। फिर अब करना क्या है, हम लोग को यहाँ से चल जाना है ड्रॉ टूल वाले में, फिर यहाँ से हम लोग को ब्रश को क्लिक करके यहाँ से साइज को ओपन कर लेना है, ऑपसिटी को कम कर लेना है, हार्डनेस को कम करना है -according to इतना रखना है। फिर यहाँ से जूम एलेविटी को हम लोग को ऑन कर लेना है। फिर यहाँ से हम लोग को व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से जाना है और यहाँ पर हम लोग को व्हाइट कलर करने के लिए करना क्या होगा, हम लोग को सिर्फ यहाँ टैप कर लेना है, फिर यहाँ से डन कुछ इस तरह से जूम कर लेना है हम लोग को। फिर आइस के ऊपर हम लोग कुछ इस तरह से पेंट कर लेना है। इस तरह से पेंट करने के बाद करना क्या है मैं बता देता हूँ, और यहाँ से डिस्कार्ड कर लेना है। इस तरह से करने के बाद करना क्या है, हम लोग को चल जाना है फिर से ऐड फोटो पे। तो मैं ऐड फोटो पे चल जा रहा हूँ और यहाँ से एक हम लोग को PNG का लिंक मिल जाएगा, उसको ऐड कर लेना है जो कि ये रहा। फिर हम लोग को करना क्या है, इसको कर लेना है ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन। ये इस सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके इजिली डाउनलोड कर सकते हो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है जो कि आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पहले वो जाके वीडियो देख ले और हेल्पफुल होगा आपके लिए PNG और बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए। तो मेक श्योर गाइस वो वीडियो देख ले आप। इस तरह से ऐड करने के बाद करना क्या है, और आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना गाइस, मैं वहाँ भी आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ बैकग्राउंड PNG। इस तरह से ऐड करने के बाद करना क्या है, यहाँ से चल जाना उनको एडजस्ट पे, फिर यहाँ से चल जाना ह्यू पे और हम लोग को बैकग्राउंड में जो दिख रहा है ना कलर का उससे मैच करना है। तो करना क्या होगा, हम लोग को चल जाना यहाँ पर पिंक भी रखोगे तो चलेगा गाइस, कुछ कुछ इतना रख लेना है देख लो, यहाँ से डन करना है। फिर हम लोग को कुछ इस जगह पे हम लोग को आइस के ऊपर एडजस्ट कर लेना है, तो मैं कर लेता हूँ। इस तरह से ऐड करने के बाद फिर से इसको डुप्लीकेट करने के लिए करना क्या, फिर से लेयर वाला आइकन पे क्लिक कर डुप्लीकेट कर लेना है।
इस तरह से कर लेना, फिर स्क्रीन पर किधर भी टैप करके फिर से ऐसे कर लेना। हम लोग को आप चाहो तो इसकी ऑपसिटी भी कम कर सकते हो, तो मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा कुछ एक अराउंड 70, इसका भी अराउंड 70 कर लेता हूँ। फिर स्क्रीन पे किधर भी टैप करके फिर से ऐसे एडजस्ट कर लेना है, डन नहीं करना गाइस। हम लोग को करना क्या है, फिर से चल लेना ऐड फोटो पे और एक पेंजी मिल जाएगा जो की रहा है, इसको भी ऐड कर लेना है, तो मैं ऐड कर ले रहा हूँ। अब इसको भी एडजस्ट करने के लिए करना क्या, फिर से हम लोग को स्क्रॉल करके चल जाना एडजस्ट पे, ह्यू पे, और कुछ इतना हम लोग को पिंक कर लेना है हम लोग को इसको भी। तो मैं देख लेता हूँ ये देखो गाइस इतना कर लेना, फिर यहाँ से डन। अब यहाँ से चल जाना हम लोग ब्लेंडिंग में, यहाँ से स्क्रीन कर लेना है और कुछ इस जगह पे हम लोग को एडजस्ट करके लगा लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना गाइस, कुछ इतना करके आपको लगा लेना है। अब करना क्या है हम लोग को, हम लोग को यहाँ से चल जाना है थोड़ा सा इरेजर पे, इरेजर पे जाके यहाँ से हार्डनेस कम ऑपसिटी कम साइज अपने हिसाब से, और हम लोग को थोड़ा ऊपर का लाइन बॉर्डर को इरेज कर लेना है, तो कर लेना गाइस अच्छे से। तो मैं भी कर ले रहा हूँ, इतना करने के बाद यहाँ से डन। डन करने के बाद करना क्या है, थोड़ा सा मैं और इरेज कर लेता हूँ, इस तरह से करने के बाद फिर हम लोग को इस लेयर वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद करना क्या है, हम लोग को यहाँ से चल जाना है स्क्रॉल करके फ्लिप एंड रोटेट पर, हम लोग को ये वाला ऑप्शन को अप्लाई कर लेना है, और एक मैं इस साइड पे एडजस्ट कर लेता हूँ। करना क्या है हम लोग को, थोड़ा थोड़ा इसका भी ऑपेसिटी कम कर लेना, कुछ जितना 80 81 जितना रख सकते हो आप अपने फोटो के हिसाब से इतना। फिर यहाँ से हम लोग को डिस्चार्ज ऐड यहाँ से डन कर लेना है। फिर करना क्या है हम लोग को, यहाँ से चल जाना है, करना क्या फ़ोटो को सेव करने के लिए, तो मैं फ़ोटो को सेव करना सिखा देता हूँ। इस पर क्लिक कर लेना है, फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो मैं अपना एक सिग्नेचर लोगो पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ, अगर सिग्नेचर लोगो पीएनजी बनाना नहीं आता तो मैंने इसके भी ऊपर एक वीडियो बना रखी है, जो कि आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इजीली सीख सकते हो कि अपने नाम का एक सिग्नेचर लोगो पीएनजी कैसे क्रिएट करें। तो मेक श्योर गाइस वो वीडियो भी देख लें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं आपको जो भी वीडियो बता रहा हूँ ना गाइस, वो आपके लिए एकदम हेल्पफुल है फोटो एडिटिंग में, तो मेक श्योर गाइस वो सब जाके आप ज़रूर देख लें और ज़रूर से सीख लें। तो ये देखो गाइस मैंने ऐड कर लिया, उसके बाद करना क्या है, स्क्रॉल अप करके ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर लेना है, यहाँ से छोटा करके कुछ इस जगह पे जाके प्लेस कर लेना है, यहाँ से ऑपसिटी को कम कर लेना है, यहाँ से डन। फिर करना क्या है हम लोग को चल जाना है फोटो को सेव करने के लिए, यहाँ से भी कर सकते हो मगर बहुत अधिकतर आदमी का सेव नहीं होता, तो यहाँ से करना क्या है ड्रॉ टूल में जाके हम लोग को 3 डॉट में क्लिक करके यहाँ से सेव इमेज कर लेना है। सेव इमेज कर लोगे तो ये फोटो का ऐप ओपन करना है हम लोग को लाइटरूम ऐप में, तो मैं कर लेता हूँ। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो क्या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर रख देना डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए, और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो गाइस। ये देखो मैंने ऐड कर लिया, इसको ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से ओपन करने के बाद करना क्या है, हम लोग को चल जाना है लाइट्स वाले आइकन पे, यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा प्लस कर लेना है कुछ इतना, हाईलाइट्स को थोड़ा सा हाईलाइट्स को नहीं छेड़ना है, शैडो को बढ़ा लेना है, वाइट्स को बढ़ा लेना है, ब्लैक्स को थोड़ा सा कम ही रहने देना है, फिर नेक्स्ट टूल पे चल जाना है, वाइब्रेंस बढ़ा लेना है, टिंट को रखना है, टिंट को नहीं छेड़ना गाइस। मिक्स टूल पे जाके ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके यहाँ से फेस के कलर को वाइट कर लेना है, और यहाँ से हम लोग को डन कर लेना है, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है। फिर से यहाँ से हम लोग को नेक्स्ट टूल पे क्लिक करके विग्नेट को कम कर लेना है, डीएच को बढ़ा लेना है, और यहाँ से फिर नेक्स्ट टूल पे जाके शार्पनिंग बढ़ा के नोचुडेशन बढ़ा लेना, कलर नोचुडेशन बढ़ा के स्मूथनेस फुल, फिर नेक्स्ट टूल में जाके हम लोग को ये वाला ऑप्शन को इनेबल कर लेना। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार फाइनल रिजल्ट आपको, ये देखो गाइस पिक्सआर्ट का, ये देखो लाइटरूम का, कैसा लगा वीडियो गाइस कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना। मैं आपको ये फोटो को सेव करना सिखा देता हूँ, यहाँ से हम लोग को चल जाना शेयर वाले आइकन पे, सेव टू डिवाइस कर लेना है, फुल एचडी में फोटो सेव हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो गाइस कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर रख देना है डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।